चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा टॉपिक है अर्थराइटिस। लोग अर्थराइटिस को सही तरीके से समझ पा रहे हैं? अगर देखा जाए, मेरा मानना है, मैं भी कई बार गड़बड़ हो जाता हूँ। ठीक है, रीजन समझ में आएगा आज आपको। अर्थराइटिस जब आप देख रहे हो तो अर्थराइटिस का फुल फॉर्म होता है अर्थर, मतलब ज्वाइंट। अर्थर का मतलब होता है ज्वाइंट्स, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, ज्वाइंट्स की इन्फ्लामेशन होना अर्थराइटिस कहलाता है। अभी ज्वाइंट्स तो मल्टीपल है हमारी बॉडी में, है ना? ज्वाइंट्स तो मल्टीपल है। ज्वाइंट्स मतलब दो बोन एक दूसरे के करीब आ रही है, और आर्टिकुलेशन, हाइलिन कार्टिलेज या आर्टिकुलर कार्टिलेज के माध्यम से एक दूसरे से, मसल्स के ओरिजिन और इंसर्शन के माध्यम से वहां पर एक दूसरे से अटैच रहती है, अपने जॉइंट्स का निर्माण करती है, और जॉइंट्स के माध्यम से मूवमेंट करती है। ये पूरी कंडीशन यहाँ पर आपके बॉडी के मूवमेंट के लिए नेसेसरी है, जिसको आप स्केलेटल सिस्टम कहते हो। इन स्केलेटल सिस्टम की बात करी जाएगी तो फलेंजेस से लगाकर आपके टूज तक, अगर आप देख रहे हो तो मल्टीपल ज्वाइंट है, अलग अलग प्रकार के ज्वाइंट है। अर्थराइटिस बहुत ही कॉमन कंडीशन है, किंतु अच्छे से नहीं समझ में आती दोस्तों। एक्चुअली अर्थराइटिस एक सिंगल डिसीज नहीं है, इसलिए नहीं समझ में आती। हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सिंगल डिसीज के रूप में समझते हैं, और मैं मानता हूं कि सिंगल डिसीज नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक्चुअली जब ज्वाइंट पेन होता है या ज्वाइंट डिसीज को रिपोर्ट करने का एक इनफॉर्मल वे होता है कि भाई इसको अर्थराइटिस हो गया है। लेकिन दोस्तों, अर्थराइटिस और उससे रिलेटेड कंडीशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पता है आपको कौन कौन से प्रकार होते हैं? ठीक है, जब अर्थराइटिस होता है तो जनरली आप लोग क्या बोलते हैं, भाई ओस्टियो अर्थराइटिस हो रहा है। ठीक है, ओस्टियो अर्थराइटिस ज्वाइंट का सबसे ज्यादा इंफ्लामेटेड मतलब कंडीशन है, जिसमें ज्वाइंट पूर्ण रूप से डैमेज होने लगता है, टीयर और वियर कंडीशन होने लगती है। ठीक है, रूमेटिक अर्थराइटिस पे तो फिर होता है। तो रूमेटिक अर्थराइटिस क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में सिस्टमस आपका सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस भी आता है, गाउट भी आता है। ठीक है, चाइल्डहुड अर्थराइटिस अर्थात जुवेनाइल इडियोपैथिक अर्थराइटिस भी शामिल होता है। अगर ये सब शामिल है तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन्फ्लेमेशन कॉल्ड अर्थराइटिस। ठीक है, अर्थराइटिस और उससे रिलेटेड कंडीशन बहुत सारी प्रकार की है। ये ज्यादातर देखा जाए तो ओल्ड एज से रिलेटेड है, एज रिलेटेड होती है दोस्तों, सेक्स रिलेटेड होती है। ठीक है, ये एक स्पीशीज यानी जातियों में पाई जाने वाली अर्थराइटिस की कंडीशन कॉमन रूप से होती है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में डिसेबिलिटी का सबसे लीडिंग कॉज होता है ना? आप देख लो, हमारे हिंदुस्तान में 45 साल का बूढ़ा व्यक्ति हुआ, उसको देखो अर्थराइटिस सबसे पहले होता है। क्यों हो रहा है, आपने सोचने की कोशिश करी? ठीक है, याद रखना दोस्तों, अर्थराइटिस एक या एक से ज्यादा जॉइंट्स में होने वाला इन्फ्लामेशन, कोई एक जॉइंट से इफेक्ट होता है, कई बार मल्टीपल जॉइंट अफेक्टेड होता है। इसलिए अर्थराइटिस का मेन सिम्टम जॉइंट पेन और स्टीफनेस का होना होता है। ये दो चीज आप समझ लीजिए, जॉइंट पेन हो रहा और स्टीफनेस हो रहा, डेफिनेटली आपको वहां पर दोस्तों कंडीशन अर्थराइटिस की डेवलप हो रही है। जॉइंट पेन एंड स्टीफनेस बोथ आर रिलेटेड ईच अदर। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिम्टम होता है, इसलिए याद रखना, एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी अर्थराइटिस टिपिकली होता चला जाएगा। इसलिए इसको मैं बोलता हूं ओल्ड एज डिसीज। आफ्टर 45 ईयर आपको और मुझे भी होना है। मैं भी अभी 50 हो गया, और कई बार मुझे भी जॉइंट्स में क्रैप्स आने शुरू गए, मैंने प्रोटोकॉल लेना शुरू कर दिया, माय ओपिनियन। ठीक है, याद रखिएगा कैसे करेंगे आप। देखो यहाँ हाइपोटेंसिव डोज दिया हुआ है, आपको रेगुलर नहीं लेना है, सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन प्लस डब्ल्यू अगर आप ले रहे हो, आपको रेगुलर नहीं लेना, उसके साथ केवल वीकली या मंथली एक डोज आपको लेते जाना है, आपको जॉइंट की इन्फ्लामेशन नहीं होगी, याद रखना दोस्तों। आप ओस्टियो अर्थराइटिस की बात करते हो तो टिपिकली ओस्टियो अर्थराइटिस में हो क्या रहा है, कार्टिलेज एकदम हार्ड हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, स्लिप करने लगता है। अब आप कार्टिलेज देखो कि भाई कहाँ से स्लिप हो रहा है, ये दो बोन है ना, इस दो बोन के बीच में एक कार्टिलेज है ब्लू कलर का, उस कार्टिलेज के बीच में फ्लूट भरा हुआ है, और उस फ्लूट को कवर किया हुआ है सिनोवियल मेम्ब्रेन है। सिनोवियल मेम्ब्रेन एक पतली झिल्ली होती है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन है, वहां पर फ्लूट का सिक्रेशन होता है। यह फ्लूट चिकना फ्लूट होता है जिसके ऊपर ज्वाइंट आसानी के साथ लुब्रिकेट करता है, मूवमेंट करता है।
आप मोटरसाइकिल में ऑयल डालते हो ना, वही समझ लीजिए आप, ठीक है। ये अंदर कार्टिलेज है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन और फ्लूइड, ये इन मैकेनिज्म के माध्यम से लगातार वर्क करता रहता है। यदि इनमें से कुछ गड़बड़ हुआ, चाहे साइनोवाइटिस हो जाए, आप देखो जॉइंट की स्वेलिंग हो जाएगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन का स्वेलिंग, फ्लूइड खत्म हो गया, है ना, उम्र के हिसाब से होता है। जैसे जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम आएंगे, उसके कारण होगा क्या, ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज दोस्तों हार्ड हो जाता है ना। इलास्टिसिटी क्या होती, कम हो जाए। अगर आपने जिंदगी में एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया है, कैलोरिक वैल्यूज को आपने ध्यान दिया, आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही जबरदस्त आपको फीडबैक देखने को मिलता है ना। क्यों देखने को मिल रहा है, उसके कारण आपके बॉडी के आर्टरी वेन्स में जो इलास्टिसिटी होती है वो डेवलप होती है, और उसको कवर करने के कारण आपका जो एज फैक्टर होता है, जितना आपने अपने बॉडी को इलास्टिक रखा उतना ऑर्गन स्ट्रांग होते चले जाएंगे, आप उस आयु को बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। जहां पर जो जॉइंट बनता है वहां के बोन्स के इंड जो होते हैं उसको कवर करने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, आप देखेंगे वो टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये टियर एंड वियर के लेवल पर आता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। आपने खूब काम किया, अब काम करने के बाद अचानक आपने काम कम कर दिया, अब देखिए आपकी प्रॉब्लम होना शुरू होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप। लेकिन आपकी बॉडी में, यदि आपकी बॉडी आपके खिलाफ ही काम कर रही है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, और वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण अगर किसी भी जॉइंट्स में इंफ्लामेशन होता है, रूमेटिक आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उस रूप में आपके सामने आता है, यानी जॉइंट्स की लाइनिंग पर उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम दोनों को अलग अलग करेंगे, कल ऑस्टियोआर्थराइटिस, परसों रूमेटिक आर्थराइटिस, लेकिन आज हम एक कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जो ये दर्शाएगा दोनों अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग, ठीक है। गाउट पढ़ेंगे, गाउट का ट्रीटमेंट अलग है, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग आधार पर उसका बेस बनाकर जब आप अर्थराइटिस का टाइप को डिटरमिनेशन करते हो, तो याद रखना दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर देख लो आप, इंजुरीज के कारण जो है सबसे ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज होती है उसके कारण गाउट या सूडो गाउट होता है दोस्तों, झूठा, ठीक है। याद रखना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर किसी का बाहर वायरल इन्फेक्शन हो रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इफेक्ट हो रहा है, मिसडायरेक्टेड इम्यून सिस्टम हो रहा है, तो ऑटोइम्यून की डिसीज डेवलप होती है, और वो ऑटोइम्यून डिसीज आपके जॉइंट्स के खिलाफ भी काम करती है, जो रूमेटिक आर्थराइटिस को कॉज करती है दोस्तों, ठीक है। उसमें से सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस भी एक कंडीशन है दोस्तों, इसलिए ये सारी चीजें आपको टेबल प्रैक्टिस में पता होना चाहिए। यदि आपको पता है, आपको सोचने की जरूरत, आपको ध्यान हो सोरोसिस होता है ना, सोरोसिस क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, उस सोरोसिस के केस में भी रिकरेंटली सोराइटिक आर्थराइटिस का केस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। उस सोराइटिक आर्थराइटिस के केस को मैंने 3 चैलेंजिंग केस को 90% तक क्योर कर दिया है दोस्तों, ठीक है। 22 साल पुराना सोरोसिस का केस है, सोराइटिक आर्थराइटिस का केस है, जो मूवमेंट नहीं कर पाता था, बिस्तर पे रहता था, सारे काम छोड़ दिए थे उसने, नौकरी चली गई थी, उस व्यक्ति को मैं 17 महीने में रिटर्न लेकर आया। आज वो मस्त फिर से जॉब, प्राइवेट जॉब करने लगा है, लेकिन 90% तक। मैं इसलिए कहता हूं, कोई भी आर्थराइटिक कंडीशन 100% क्योर नहीं होती है, जो बोलता है गलत बोलता है, ठीक है। काफी मेहनत करने के बाद भी 90 से 95% क्यूरिंग कैपेसिटी आती है, 5 से 10% जो फाइब्रोसिस हो जाता है वो कोई ठीक नहीं कर पाता, तो फालतू बात है। जो लोग बोलते हैं 100% क्यूरिंग एबिलिटी है, बिल्कुल नहीं है। 90-95% तक पेशेंट अपने लाइफ साइकिल को 10-20 साल तक आगे बढ़ा जाता है, लेकिन 100% क्यूरिंग कैपेसिटी नहीं आती, याद रख लेना। जिस प्रकार कैंसर की सत्यता है, आप लाइफ साइकिल को, वाइटिलिटी को बढ़ा सकते हो, क्योर नहीं कर सकते, यू कांट क्योर इट, याद रखना दोस्तों। जब इंफ्लामेशन होता है और जो केमिकल बॉडी से रिलीज होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं, याद रखना उसके कारण आपका टिश्यू सबसे पहले अफेक्टेड होता है। यही कारण है, इसी केमिकल के रिलीज के कारण जो इंजुरीज होती है, जो इन्फेक्शंस होती है, उस एरिया में ब्लड फ्लो का वो बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करता है, और इसी कारण वो एरिया एकदम आप देखते हो इन्फ्लामेशन के साइन, रेडनेस, वार्म्थ, गर्मी, ठीक है। कुछ केमिकल टिश्यू से वहां पर उस फ्लूइड में लीक हो जाता है, ठीक है, उस केमिकल टिश्यूज में, फ्लूइड में, वो उस फ्लूइड को पर्टिकुलर उस टिश्यू में लीक कर रहा है। अगर वो लीक हो गया क्या होगा, फ्लूड लीक हो गया, स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लामेशन का साइड है, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ओडिमा, वार्म, फीवर, ये क्या है, इन्फ्लामेशन के साइन है, जो मिलते हैं और हमको क्या बोलते हैं, अर्थर यानी जॉइंट,
आइटिस मतलब इंफ्लामेशन, अर्थराइटिस जॉइंट्स का इंफ्लामेशन, ठीक है। सिम्टम कैटेगराइज अगर आप करते हो दोस्तों, ओस्टियो अर्थराइटिस के जो सिम्टम में जॉइंट स्पेन होना, ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव स्टीफनेस होती है, धीरे धीरे अकड़ान आना शुरू होती है दोस्तों, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्टीफनेस धीरे धीरे डेवलप होती है, यही कारण है रूमेटिक अर्थराइटिस के जो सिम्टम होते हैं उसमें पेनफुल स्वेलिंग, इंफ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा फिंगर पे, आर्म्स पर, लेग्स में, रिस्ट में स्टीफनेस उत्पन्न करता है, या तो उसी जॉइंट में या बॉडी के साइड्स में, सारे साइड्स में डेवलप होता है। विशेष रूप से जब हम उठते हैं, बैठते हैं, अवेकनिंग करते हैं दोस्तों, उस दौरान सबसे ज्यादा सिम्टम हमको टिपिकल देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको याद रखना है, हमारी बॉडी में कहीं भी इंजरी इन्फेक्शन के कारण अगर कोई भी इंफेक्शियस अर्थराइटिस होती है दोस्तों, आप कई इंफेक्शियस अर्थराइटिस होती है, यदि गोनोरिया हुआ तो गोनोकोकल अर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस हुआ ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस, सोरोसिस हुआ सोराटिक अर्थराइटिस, कंडीशन कई मिलेंगे आपको, प्रोटोकॉल आपको यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिम्टम। एक टैली करके मैंने बताया हुआ है प्रोटोकॉल, जो आपको समझाऊंगा कि ये कैसे तय करना है आपको कि कहां पर क्या प्रोटोकॉल देना है। तो याद रखना दोस्तों, जब आप हमारी बॉडी में कहीं भी कोई इंजरी हो रही है, कोई इन्फेक्शन के कारण कहीं पर भी इन्फेक्टिव अर्थराइटिस हो रहा है दोस्तों, आप अगर इन्फेक्टिव अर्थराइटिस के तो सिम्टम देखिए, आपको फीवर बताएगा, ठंड बताएगा कि मुझे हल्की सी ठंड लग रही है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन बताएगा, स्टीफनेस टेंडरनेस बताएगा, ठीक है, शार्प पेन, बहुत ही ज्यादा पेन, वो मूवमेंट नहीं कर पाता, इतना पेन उसको नजर आता है। इसीलिए आर्थराइटिस के जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं जिसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं जॉइंट्स के अकॉर्डिंग सिम्टम होता है, बड़े जॉइंट, छोटे जॉइंट, ठीक है, स्मॉल जॉइंट, लार्ज जॉइंट, कौन से जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर मोस्ट सिम्टम कनेक्ट होते हैं। जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, आर्थराइटिस के टाइप के आधार पर, साइन और सिम्टम को देखने के आधार पर आपका प्रोटोकॉल तय होता है। इसलिए पेन, स्टीफनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, जॉइंट्स का मोशन नहीं कर पाएगा, पहले लंबा लंबा चलता था, अभी धीरे 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 चलेगा, ठीक है, याद रखना। जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन जब होता है तो इन्फ्लेम्ड जॉइंट होता है, रेड टेंडरनेस, ठीक है, पेन, स्वेलिंग, उडीमा, गर्म, एकदम वार्म्थ का लेवल, ये सारे लेवल वहां पर लेकर आता है, जिससे जॉइंट्स का फंक्शन लिमिट हो जाता है, पहले जो मूवमेंट करता था वो फंक्शन लिमिट हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन का जब आप लेवल देखते हो, अर्ली स्टेजेस में अर्थराइटिस का डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मुश्किल होता है, क्योंकि कई प्रकार है कौन सा अर्थराइटिस है, यही कारण है इलेक्ट्रोमोपैथ में बहुत सारे लोगों को पता होते हुए ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। इसलिए मैं यहाँ पर माय ओपिनियन प्रोटोकॉल लेकर आया, ये मेरा ओपिनियन है, 100% आपको कहीं पे भी कंक्लूड कर सकता है, ये सीखने में आपको टाइम लगेगा, है ना, लेकिन ये एक ऐसा चीज है कि आपको कभी फेलियर की तरफ नहीं आने देगा, 70-90% तक लेकर आ जाएगा, वो भी तो आप चाहते हो दोस्तों, ठीक है। जब भी कोई पेशेंट अर्थराइटिस से प्रभावित होता है, आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप सीबीसी ESR टेस्ट करा लीजिए, ESR हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा, याद रखना, सी रिएक्टिव प्रोटीन हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में कोई ना कोई इंफ्लामेटरी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। बहुत सारी टेस्ट है, आर एफ एक्टर टेस्ट करा लो आप, सीसीपी टेस्ट करा लो आप, एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेट पेप्टिड टेस्ट होती है, जो एक एंटीबॉडीज टेस्ट होती है, जो बता देती है कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है, वो आपको बता देगी कि ऑटोइम्यून डिसीज है या नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप सीबीसी ESR करा रहे हो, एक्सरे करा लो जॉइंट्स के लेवल पर, आपको जॉइंट के डिस्ट्रक्शन का पता लग जाएगा कि कितना परसेंटेज वहां पर डैमेज हुआ, उसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल तय होता है दोस्तों। आज मैं आपको सिंपल प्रोटोकॉल बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू जॉइंट्स अर्थराइटिस, ठीक है। कल जब हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ेंगे, परसों जो रूमेटिक आर्थराइटिस पढ़ेंगे, दोनों के और जितनी भी कंडीशन सपुरेशन से लगाकर, ट्यूबरकुलोसिस से लगाकर, गोनोरिया के लगाकर आती है, सारी कंडीशन को मैं डेमोंस्ट्रेट करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, आप मुझे बताइए कि आपका जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है किसके पास बनता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस कहां होती है, लीवर में। पहला प्रोटोकॉल क्या तय होगा, S5, करेक्ट। दूसरा, किसमें इंफ्लामेशन हो रहा है, जॉइंट में हो रहा है। दूसरा प्रोटोकॉल C4। तीसरा क्या है, एकाएक डेवलप हो गया, नहीं है ना, काफी समय में हुआ, मल्टीपल डिसऑर्डर के कारण हुआ, हो सकता है जेनेटिक भी हो, एबनॉर्मलिटीज के लेवल पर हो, वेनवल सिलेक्ट कर लिया। मेरा मानना है कि यदि आप एनाल्जेसिक ड्रॉप दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा यहां जी दे दो और एनाल्जेसिक ड्रॉप साथ में कर दो, लेकिन
मेरा ये मानना है यदि S5C4V1RE को आप देते हो स्टार्टिंग में पेन बंद हो जाता है और जैसे पेन बंद होता है देन आप जी एड कर देते हो, आप मान के चलो पूर्ण रूप से ज्वाइंट की हीलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पेन बंद करना, स्टिफनेस दूर करना, ये तो मेन मकसद होता है। वो पेन बंद हुआ, स्टिफनेस दूर हुई, देन आप जी कर दो, हील हो जाएगा। ये आपका मकसद होना चाहिए ट्रीटमेंट का। ठीक है, दूसरी बात, जब आप S6C6L1YVE देते हो, वाई क्यों सपोर्ट कर रहे हो आप? अभी तो 30 डाइल्यूशन में इन्हीं प्रोटोकॉल्स का बहुत मैजिकल रिजल्ट आ रहा है। आप सीधा 30 डाइल्यूशन में बना के दे दो और मैजिकल रिजल्ट आपको नजर आता है। ठीक है, क्योंकि आजकल जितने भी केस आ रहे हैं सारे कार्टिकोस्टेरॉइड जमाने भर के खा के आ रहे हैं, तो यहां पर आने के बाद कई बार एग्रवेशन होता है, दर्द बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में तुरंत 30 डाइल्यूशन बना के दे दीजिएगा यही का ये प्रोटोकॉल। सारे नी जॉइंट में बहुत ज्यादा है, C11V1G को दे दीजिए आप, D6 में 30 डाइल्यूशन में, देखिएगा कितना मैजिक रिजल्ट आता है। स्पेशल पेनक्योराइल, ऑल पेनक्योराइल, कल इसका फार्मूला आपको दूंगा मैं दोनों का, स्पेशल पेनक्योराइल, अर्थराइटिक ऑइंटमेंट, ऑल पेनक्योराइल, वन बाय वन आपको मैं देने वाला हूँ, आपको समझ में आएगा। कल आपको मैं रूमेटिक अर्थराइटिस का प्रोटोकॉल दूंगा, वो आपको जब समझ में आएगा तो आपके पूरे प्रोटोकॉल तय हो जाएंगे कि हाँ साहब किस प्रकार से प्रोटोकॉल बनाया जाता है। अभी जैसे मैंने बताया ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन जितने भी बुक की स्टडी की मैंने, उन सारी बुकों के सार के आधार पर जब हमने टेबल प्रैक्टिस किया, हमारे गुरुओं से हमने सीखा, तो अर्थराइटिस के लेवल में हमने तय किया A1S5C5, ठीक है, L1S1WG 200 या 1000, ये हमारा सबसे पहला हथियार होता था, तुरंत स्टीफनेस को दूर किया जाए। जैसे स्टीफनेस दूर होती है उसके बाद प्रोटोकॉल बनाया जाए, तो वहां पर S6C6V1G D6 S5V1B अल्टरनेट C4L1Y D6 बोन को रिलैक्स करें। जब बहुत ज्यादा स्टीफनेस होती है वहां पर आपको ये प्रोटोकॉल S5V1B ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा दिया, C4L1Y रिलैक्स कर दिया, आप देखेंगे इससे भी बहुत हद तक रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट करना है प्रोटोकॉल, सभी एक साथ उठा के नहीं देना है। ये मेरे बताने का तरीका है कि जो कंडीशन हो रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोटोकॉल तय करना है। S6L1Y, अब कई लोग इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं किडनी को न्यूट्रिशन देने होते हैं। अभी किडनी के न्यूट्रिशन में आप अर्थराइटिस को कैसे ठीक करोगे भाई? S6L1B C6V1G, ठीक है, लेकिन याद रखना C6 जॉइंट पेन पे काम करता है, लेडमपाल मिला हुआ इसमें, इसलिए जब आपने इस प्रोटोकॉल को D6 दे रहे हो 30 करके देख लेना, S6L1B 30 C6V1G 30, आप देख लेना मिरेकल, या ऑर्गेनो बूस्टर आप सेकंड डायलेशन में दे देना C6 का, आप देख लेना मिरेकल, इट्स अ टोटली मिरेकल, पूरे जॉइंट को नया बना देगा, आप करके देख लेना दोस्तों। C11S6B, अब C11 में क्या है, A2S5C5L1S6B, आप पूरे मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल रहे हो। S6C6V1G का प्रयोग करने का मकसद यह होता है कि आपकी बॉडी में जितना भी मटेरियल आया, आप जो स्पेशल पेनक्योराइल को गरम गरम मसाज करते हो, आप सिकाई करते हो, तो वो जो मटेरियल जो जमा हुआ है मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप में वो गल के ब्लड सर्कुलेशन में आता है और S6C6V1G पकड़ के बाहर निकाल देता है। दैट इज द मकसद, ये मकसद होता है S6C6 को यूज करने का। यहाँ पर C4V1Y, ये भी एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, स्टार्टिंग में हम लोग बहुत यूज करते थे, जब तक हमने यूज करना चालू नहीं किया तब तक हम लोग ये बहुत यूज करते थे, आपको भी मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट है। सुबह हमारी जो सफलता का राज इन्हीं में छुपा हुआ है दोस्तों। ठीक है, जब बात आती है हम लोग अभी हुआ लेकिन बहुत डेंजरस कंडीशन में, पेशेंट को रिलीफ देना बहुत जरूरी, नहीं तो भाग जाएगा दूसरे डॉक्टर के पास। एक्यूट अर्थराइटिस में S1C4L1A2G, ठीक है, 200 या 1000, अगर बहुत सीवियर कंडीशन है 1000 डेली 10 ड्रॉप दीजिए, जब ठीक होने लग जाए फोर्थ डे कर दीजिए, या 200 डायलेशन में तो आप डेली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 ग्लोबल्स या 10 ड्रॉप डेली दीजिए। जब क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है तब आप देखिएगा दोस्तों C3 C4 C5, देखो यहाँ पर कार्टिलेज भी डैमेज है, बोन भी डैमेज है, लिगामेंट और टेंडन्स भी डैमेज है। C3 C4 C5 S1A2F1G, ठीक है, 200 या 1000 में देके देखिएगा, हमारे ग्रुप के इसको काफी लोगों ने प्रूव किया हुआ है दोस्तों, इसलिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मेन काम होता है वहां पर पेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए S3 को शामिल किया गया। S3 C4 A1 F1 V1 G 200 या 1000 मिरेकल डायलूशन होता है दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोटोकॉल यहाँ पर काम करता है।
रोमेटिक आर्थराइटिस S1, L1, F1, A3, C4, G, सेकेंड डायलेशन। आप देखो, अगर इनका कंक्लूजन देखोगे तो माय ओपिनियन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर इतने सारे प्रोटोकॉल का कंक्लूजन देखोगे, ये तीन प्रोटोकॉल के साथ में, यदि आपने ये चला दिया, इन तीन में से एक, और ये चला दिया, ऑलमोस्ट सारे आप D6 से लगाकर 30 डाइल्यूशन, 200 डाइल्यूशन इनको ले जाइए, आपका रिजल्ट देखिएगा, यू आर द बेस्ट पर्सन टू क्योर। मैक्सिमम 95% तक आप क्यूरिंग कैपेसिटी डेवलप कर सकते हो, 15-20 साल तक के लिए जॉइंट्स को बचा सकते हो दोस्तों। ये आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना करना चाह रहे हो, आप क्या समझ रहे हो। इसका कल से जब मैं टॉपिक बताऊंगा, आपको पूरा क्लियरिटी के साथ में नजर आएगा कि अर्थराइटिस को जब ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक अर्थराइटिस में दो डिवीजन में मेनली डिवाइड किया जाता है, उसको किस रूप में आप देखते हो, कल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट बात पर हम चलते हैं दोस्तों, हमारा सेल का टॉपिक। दोस्तों जब हमने साइटोप्लाज्म को समझा तो हमें सेल को कामयाब जीवित रूप में डेवलप करके मल्टीप्लिकेशन ले जाकर हमारी सेल को जीवित रखना, यानी लाइवली हमारे जिंदा होने के सबूत प्रस्तुत करने का काम इस सेल के ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ऑर्गेनाइज बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। और आप अपने मेडिसिन को समझिएगा, मैंने कहा था मॉलिक्यूलर मोशन में भाग लेती है आपकी मेडिसिन, तो मॉलिक्यूलर मोशन में भाग लेगी, तो सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स पर आपको पता होना चाहिए कि मैं किस मेडिसिन का कहां उपयोग करता हूं। मैंने कहा था S1 A1 WE पावर जेसिक है, मैंने कहा था S1 A1 RE एनर्जेटिक है, ठीक है। अब इस एक एक वर्ड पे जानिएगा, पावर जेसिक और एनर्जेटिक, आपके सेल के अंदर एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है अभी समझ में आएगा। आपके बॉडी में पावर हाउस सेल में कौन है, ये मेडिसिन किसको जाकर जागृत करेगी, ठीक है। आप याद रखना दोस्तों, आपको मैं एक एक चीज क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं, फिर आपके प्रोटोकॉल देखना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके जैसे प्रोटोकॉल तय कर दे तो मुझे बता देना दोस्तों। साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म है लिक्विड अंदर, ऑर्गेनेल्स एक प्रकार से सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, पड़े रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं सेल में, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, इस प्रकार से मूवमेंट करते रहते हैं। ये ऑर्गेनेल सेल के सबसे स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गन के रूप में कंसीडर कर सकते हो आप दोस्तों। ऑर्गेनेल एक लैटिन वर्ड है, याद रखना, जिसका मतलब होता है इस ऑर्गेनेल का छोटे छोटे ऑर्गन जो आपके सेल में पाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनेल अपनी, भाई सिंपल सी बात है, जब ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं तो वो कई प्रकार के ऑर्गेनेल्स होंगे, एक ऑर्गेनेल जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड रहते हैं और एक ऑर्गन जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होते हैं, यानी एक ऑर्गन को चारों तरफ से, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरा हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऐसे कई ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी अपैरेटस, कई ऑर्गन ऐसे हैं जो एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा कवर किए होते हैं, कई ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। प्रत्येक ऑर्गन के डेफिनेट स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी प्रत्येक ऑर्गन अपने डेफिनेट स्ट्रक्चर लेकर आता है। जैसे हम देख रहे हैं हमारे बॉडी में नोज है, आईज है, ईयर है, डेंट आपके दांत है, आपके फिंगर है, आपके हैंड है, आपके लेग्स है, ये डेफिनेट स्ट्रक्चर है। ऐसे इन ऑर्गन्स के भी डेफिनेट स्ट्रक्चर है, इनके भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। अगर हमने इन सारी चीजों को प्रमोट करके समझ लिया कि हाँ साहब यहाँ वाला है तो इनका काम क्या है, और अगर काम है तो आप हमें बताइए
कि ये किस रूप से काम करता है। यदि आप ऑर्गेनेल्स की बात करोगे जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा कनेक्ट होता है, सबसे पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है गोल्गी अपरेटस, तीसरा होता है लाइसोसोम, चौथा होता है पेरोक्सिसोम, पांचवा होता है सेंट्रोसोम। याद रखना दोस्तों, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो सेल्स के मल्टीप्लिकेशन में काम आते हैं। सिक्रेटरी वेसिकल, जिसके अंदर कई वेसिकल्स होते हैं जो सिक्रेट करने का काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका इस सेल का जीवन इस न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। यदि सेल मेम्ब्रेन टूटी और न्यूक्लियस सेल से बाहर चला गया, सेल डेथ हो गई। अगर सेल का न्यूक्लियस जिंदा है, सेल रीअपियर हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। माइंड इट, जब कभी कहीं पर आप बात करोगे सेल टिश्यू ऑर्गन्स के डैमेज होने पर, सिस्टम के डैमेज होने पर, आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोमेपैथिक ट्रीटमेंट में दो बात की जाती है, एक रीजनरेशन, एक रिपेयर। ठीक है, रीजनरेशन एंड रिपेयर, दिस इज द बेसिक पार्ट फॉर नेक्रोसिस एंड इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये क्या होता है, जब ये सेल का टॉपिक क्लियर होगा हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू के बाद में मैं इन्फ्लामेशन पढ़ाऊंगा। उस दौरान आपके बॉडी में जितनी भी डिसीज आप पढ़ रहे हो, जो हम पढ़ रहे हैं आर्थराइटिस, ये आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, व्हाई यू आर चूजिंग ऑर्गेनोबूस्टर, व्हाई यू आर चूजिंग गैंग्रेनल फूड, ठीक है, व्हाई यू आर चूजिंग ऑल कैंसर केयर बूस्टर, ये क्या काम कर रहा है ना। आपके बॉडी में जो ऑर्गन से फंक्शन कर रहे हैं तो लिमिटेड फंक्शन कर रहे हैं, नेचुरल फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन जितने स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर एक जैसे काम करेंगे, एक जैसा डैमेज होगा। इसलिए ऑर्गेनो बूस्टर और गैंग्रेनल फूड में कोई चेंज नहीं करना, कोई अलग से मेडिसिन नहीं डालना, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेवल पर बना हुआ है, केवल स्ट्रक्चर के लेवल पर बना हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे सेल पढ़ाते जाऊंगा उनके बारे में डिटेल आपको मैं बताते चले जाऊंगा। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं लिमिट सेल लिमिटिंग वाले। दूसरे दो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो बिना लिमिटिंग मेम्ब्रेन के होते हैं, एक राइबोसोम और एक साइटोस्क्लेटन। ये जो दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स है, और इस प्रकार से जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, याद रखना ये है लाइसोसोम। ठीक है, तो हर ऑर्गन राइबोसोम और साइटोस्केलेटन, ये दो ऐसे हैं जिनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, याद रखना दोस्तों। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, माइक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा नेटवर्क का निर्माण करता है दोस्तों, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है, यानी एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, जो कि प्रोटीन्स की बनी होती है, बायलेयर लिपिड की बनी होती है, हमने पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, याद रखना यहां पर जब इस प्रकार का होता है तो एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स नामक फ्लूइड मीडियम जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में पाया जाता है, जिसका डायमीटर 400 टू 700 आर्मस्ट्रांग होता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्ट होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्ट होता है, एक लिंक बनाता है दोस्तों सेल मेम्ब्रेन के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कनेक्ट करके देखा जाता है। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, दो प्रकार का होता है, एक जिसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर रफ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक वो होता है जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल प्लेन होता है, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ में कंटिन्यूस होते हैं, इसीलिए सेल्स की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, पूर्ण रूप से सेल की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, अगर ये होता है हमें केवल इतना समझना है कि ये है क्या, ये करता क्या है सेल में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमेपैथ को बेसिकली समझना है, इलेक्ट्रोमेपैथ के साइंस को समझना है, तो सबसे पहले सेल को समझिए, देन टिश्यू को समझिए, देन ऑर्गन को समझिए, देन सिस्टम को समझिए, पूरी बॉडी समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास एक ही शस्त्र है जो सेल से लगाकर पूरी बॉडी पर काम करता है, वाइटेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड इज द कॉजेस ऑफ डिजीज। ये प्रिंसिपल सेल से लगाकर पूरी बॉडी तक एक जगह पर काम करता है, यूनिट के रूप में काम करता है।
हम जब ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करेंगे तो सेल ऑटोमेटिक प्यूरिफाई होगा, टिश्यू ऑटोमेटिक होगा, ऑर्गन ऑटोमेटिक होगा, सिस्टम और पूरे बॉडी ऑटोमेटिक होगा। इसलिए हमें पता तो चले सेल क्या है, सेल के ऑर्गन्स क्या है, क्या काम कर रहे हैं पता ही नहीं है दोस्तों, इसलिए हम पीछे हैं। ठीक है, याद रखना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम रफ पंपी या बैड लाइक अपीयरेंस होता है, बिस्तर जैसा होता है रफ अपीयरेंस। उसकी आउटर सरफेस पर, बाहरी सरफेस पर जो ग्रेन्युलर राइबोसोम्स होते हैं उनका अटैचमेंट होता है, चिपके रहते हैं, इसीलिए इसे ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या वेसिकुलर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको केवल मैंने कहा ये स्ट्रक्चर जानिए है क्या, इसका काम क्या है, बाकी कुछ नहीं करना आपको, नथिंग। ठीक है, आपका माइंड चलना चाहिए मेरे इलेक्ट्रोमोपैथ की कौन सी रेमेडी है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर काम करेगी, मुझे पता तो चले कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए यदि आप प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हो तो प्रोटीन क्या काम करता है आपके बॉडी में, प्रोटीन क्या काम करेगा। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स में प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ कंसर्न होता है। ठीक है, और प्रोटीन क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ प्रदान करता है आपको, यानी कोई व्यक्ति अगर बीमार है, किसी व्यक्ति में कोई कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है, कोई डिजीज नजर आ रही है, उसकी स्ट्रेंथ डाउन होती जा रही है, आप क्या करोगे, इन दो में से कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज करोगे। ठीक है, याद रखना प्रोटीन के सिंथेसिस के साथ इन्वॉल्व होता है, यानी जो कि ऐसी सेल से सीक्रेट होते हैं जो पेंक्रियास में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन के बीटा सेल से इंसुलिन का, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब आप सोचो, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, पेंक्रियास में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन के बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन करा रहा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज के सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा, तो आप मुझे बताओ इसमें से दो में से कौन सा इस्तेमाल करोगे। आपको समझने की जरूरत है पावरजेसिक एंड एनर्जेटिक, बताइए आप मुझे, प्रोटीन का सिंथेसिस करा रहे हो तो प्रोटीन क्या होता है, क्या काम करता है ना, पहला नंबर याद रख लेना आप। इसीलिए राइबोसोम अमीनो एसिड को प्रोटीन की स्मॉल यूनिट में अरेंज कर देता है और उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसफर कर देता है। यहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ ऐड होकर जो यूनिट बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन, याद करना आप इस बात को। ठीक है, ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन उसके साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है जो कि रेटिकुलर वेसिकल्स के रूप में अरेंज रहता है, और ये वेसिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये गोल्गी अपरेटस पर मेनली ट्रांसपोर्टेड होते हैं दोस्तों, जिससे उसमें आगे के जितना भी मॉडिफिकेशन करना है, प्रोसेसिंग करना है, कर ली जाती है, और कुछ वेसिकल अन्य साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट भी कर दिया जाता है, इसीलिए इसको पावर पावर डेवलप करने वाला, स्ट्रेंथ मेंटेन करने वाला प्रोटोकॉल माना जाता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन यानी एनर्जी का लेवल मेंटेन कर रहा है, इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों, आप जब यहां पर जाकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पावर जनरेट करेंगे, आपको याद रखने की जरूरत होगी ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, और अगर प्रोटीन के सिंथेसिस से एनर्जी का लेवल मेंटेन करना तो S1A1RE देंगे आप। ठीक है, यानी दोनों प्रोटोकॉल यहां पर आपको समझने की जरूरत है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस कराना है S1A1W का प्रयोग करना है। ठीक है, जब यहां पर उससे एनर्जी मोटिवेट कराना है S1A1RE का प्रयोग करना है। S1A1 तो दोनों में सेम है, केवल एक प्रोटोकॉल का डिफरेंस है, एक सिंथेसिस करा रहा है, एक एनर्जी मेंटेन करा रहा है, एक पावर जनरेट करा रहा है स्ट्रेंथ, और दूसरा एनर्जी को प्रमोट करा रहा है, वही उसी एनर्जी का उपयोग करके आप जो काम करना कर लो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर गौरव सर हरियाणा के। ठीक है, डॉक्टर गौरव सर ने इन दोनों प्रोटोकॉल को हर वो स्पोर्ट्समैन जिसको स्ट्रेंथ की जरूरत है वहां पर उसको प्रमोट कराया, और आज कई गोल्ड मेडल उन्होंने थम्मे के थम्मे दिखा दिए हैं दोस्तों, ढेर के ढेर दिखा दिए हैं। ठीक है, याद रखना ये केवल और केवल एक व्यावहारिक अप्रोच है जो हमने डेवलप किया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा जब जितने भी पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स आ रहे हैं, खराब हो गए, डिजनरेट हो गए, डिग्रेडेट हो गए, तो याद रखना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया जैसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के वार्न आउट होने पर डिग्रेडेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि याद रखना मैंने इसीलिए पावर जेसिक और एनर्जेटिक बोली, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सीधा सीधा संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। माइंड कीजिएगा इस बात को, मैं इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
जितने भी वॉर्न आउट यानी टूटे फूटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वयं को वॉर्नट जितने भी वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स है टूटे फूटे उसके चारों तरफ लपेट लेता है, ठीक है, उसके ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ लपेट लेता है और एक वैक्यूल का निर्माण करता है, एक पूरी थैली का निर्माण करता है जो प्राय ऑटोफेगोसोम कहलाता है दोस्तों, ठीक है, ये ऑटोफेगोसोम कहलाता है और ये ऑटोफेगोसोम को लाइसोसोमल एंजाइम, ये जो लाइसोसोम है इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ये लाइसोसोमल एंजाइम के द्वारा इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, यानी इसी के अंदर सेल के अंदर लगातार कई ऑर्गेनेल्स टूटते रहते हैं, कई नए बनते रहते हैं, जो टूट रहा है उस ऑर्गेनेल को वहां पर लपेटे में ले लिया जाता है दोस्तों, और पर्टिकुलरली उसको वहां पर डिग्रेडेट करके उसको तोड़ दिया जाता है, उसको वहां से खत्म करके बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए आपको केवल इतना याद रखना है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होता है, जिसका सीधा माइटोकॉन्ड्रिया से लिंक होता है, यानी जब भी एनर्जी का उपयोग कराएंगे यहां से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, वो गोल्गी अपैरेटस में जाएगा, गोल्गी अपैरेटस में उसका मॉडिफिकेशन होकर वेसिकल्स के रूप में, छोटी छोटी थैलियों के रूप में वहां पर भर के तैयार रखा जाएगा, और आपकी बॉडी में इस पर्टिकुलर सेल्स में किसी भी ऑर्गेनेल्स को एनर्जी की जरूरत होगी वहां से वो निकालकर उसको दे दिया जाएगा, एनर्जी का उपयोग कर लिया जाएगा। ये गुण होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जहां पर ये दोनों प्रोटोकॉल सीधे काम करता है। अब आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कीजिए, हमने कहा भाई ये रफ है, अगर स्मूथ हुआ तो ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिनका बिल्कुल स्मूथ अपीयरेंस होता है, क्यों, क्योंकि इसके आउटर सरफेस पर किसी भी प्रकार का कोई राइबोसोम अटैचमेंट नहीं होता, इसीलिए इसे एग्रेनुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ये बहुत सारे इंटरकनेक्टेड ट्यूबुल से बना होता है, इसीलिए इसे ट्यूबुलर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। चलो ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस का गुण था, लेकिन आपके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो रहा, फिर इसके फंक्शन क्या होंगे, ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें आपके सेल में बहुत सारी चीजें होती है जो आपको और हमें नहीं पता है। याद रखिएगा, सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस, यहां पर प्रोटीन सब्सटेंसेस बने, यहां पर नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस जो प्रोटीन नहीं होते हैं उनका निर्माण होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल है ना इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड है ना इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड जैसे नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितना महत्वपूर्ण नहीं है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? 100% है। इस प्रकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स में अबंडेंट रहता है दोस्तों, ठीक है, जो लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन सब्सटेंसेस, स्टीरॉइड हार्मोन, सीबम याद रखना दोस्तों, इनके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब आप याद रखना, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, जितने भी सब्सटेंसेस ये हैं, स्टीरॉइड हार्मोन, सीबम के प्रोडक्शन के लिए, सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। इसलिए ज्यादातर अन्य सेल्स में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में बहुत ही कम एक्सटेंसिव होता है, ठीक है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, और जितना होता है इतना ही इंपॉर्टेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा गेट टुगेदर, दोनों आपस में मिलकर पूरी सेल को स्ट्रेन प्रदान करने का काम करते हैं, इसलिए सेलुलर मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल होता है। याद रख लेना, मैंने आपको पहले ही मॉलिक्यूलर मोशन के दौरान बताया था, एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस में अगर डिस्टर्बेंसेस हुआ सेल डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए ये रफ और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेलुलर मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों। यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो बाहरी सरफेस होती है इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, माइंड इट, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि सेल के बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। याद रख लेना, पूरी सेल की मेटाबॉलिक जितनी भी प्रोसेस होती है बहुत सारी प्रोसेस में इस स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर जो पर्टिकुलर यहां पर एंजाइम्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे एंजाइम्स यहां पर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में भाग लेते हैं, याद रख लेना। इसलिए अगर सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए लिम्फ के प्रोडक्शन तक S1 लिम्फ के प्रोडक्शन से लगाकर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से टिश्यू फ्लूइड तक पहुंचाने के लिए एंजाइम का ग्रुप A1 बोलने की जरूरत है, करेक्ट, ठीक है, इस सेल के मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करना आरी,
करेक्ट। अगर डब्ल्यू को यूज कर रहे हो तो न्यूट्रल कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, यही कारण तो है आपके सामने पूरा प्रोटोकॉल प्रूफ हो गया। अब मुझे बताओ आप में से कितने लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, सारे लोग प्रोटोकॉल सेट करना सीख गए भाई, ठीक है, याद रखना। अगर ये रियल है, आप मुझे बताइए आप कैल्शियम क्यों खाते हो, कैल्शियम क्यों लेते हो, ठीक है। स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बहुत बड़ा गुण यहाँ पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखने को मिलता है। यदि आपके बॉडी में कैल्शियम स्ट्रांग है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस स्ट्रांग है, आपके पूरा बोन स्ट्रांग, आपकी स्केलेटल सिस्टम इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हो। तो याद रखना दोस्तों, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होता है तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज का सबसे मेजर साइट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए स्केलेटल मसल फाइबर में कैल्शियम का रिलीज होता है जो कि आवश्यक होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करने में, ठीक है। जो आपकी स्केलेटल मसल सेल्स होती है वहां पर ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और वहां मसल फाइबर में कैल्शियम को रिलीज करता है, तभी तो मसल्स स्ट्रैक का काम करती है और बहुत आवश्यक होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करने में, ठीक है। इसीलिए सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है। कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये भी आपको यही देखने को मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा था और ये प्रूव करके बता रहा हूं कि सेल का काम आएगा तभी टिश्यू का आएगा तभी ऑर्गन का आएगा। आप सेल का काम समझ लो, सब काम आप समझ गए। अगर यहां पर कैटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन करना है कैसे करोगे, है ना। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैटाबॉलिक और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को तोड़ देता है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन से कंसर्न होता है दोस्तों, जैसे कि जो ड्रग्स होती है, आप कहीं भी ड्रग्स खाते जा रहे हो सब अंदर आ रही, कौन डेंजरसली उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। ओखली में सिर कौन देगा, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। क्यों? क्योंकि ये कैटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, इसीलिए जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करके उन्हें बाहर निकालता है। जैसे ड्रग्स, जितना भी कार्सिनोजन्स होते हैं, लीवर में जितने भी कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, बॉडी में जितने भी कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, वो इन्हीं सेल्स की, इन्हीं स्मूथ मसल्स की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसी कैटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से कार्सिनोजन सेल्स को बाहर निकाला जाता है। माइंड कीजिएगा और मेरी दो बात सुनिएगा, कैंसर पे काम करते हो ना आप लोग, है ना, याद रखना, यदि आपने इस कैटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा दिया, और कैंसर सेल के लिए सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है गेहूं, सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है शक्कर, सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है मैदा, चिपचिपापन, ठीक है। ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो बॉडी में जम जाते हैं। आप पिज्जा खाया करो, देखो दांत सड़ने लग जाएंगे, चिपचिपापन है, करेक्ट। तो याद रखना दोस्तों, यदि आपने कैंसर पे काम करना है, शक्कर पूर्ण रूप से बंद कीजिए, गेहूं पूर्ण रूप से बंद कीजिए, ठीक है, मैदा पूर्ण रूप से बंद कीजिए, ठीक है। ये वो चीजें जो सेल के कैटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा देगी, एनाबॉलिक प्रोसेस को नहीं बढ़ाएगी, कैटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ाएगी, डिटॉक्सिफिकेशन को बढ़ाएगी। आप देखो कैंसर सेल का डिजनरेशन हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और आपकी सेल्स वहां ग्रो ही नहीं करेगी, कैंसर सेल ग्रो ही नहीं करेगी, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर कैटाबॉलिक प्रोसेस को, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को बढ़ा दिए। दैट इज द फैक्ट। अगर ये साइंस आपको पता है ना, ये ईएच में ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, गॉल्गी एपरेटस की बात करते हैं, दैट इज द गॉल्गी एपरेटस, ठीक है। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम समझ लिया होगा, मेरी मेहनत अगर रंग लाएगी दोस्तों तो आप 5 साल वेट कीजिएगा, 5 साल बाद इलेक्ट्रोमोपैथी, हम जितने भी डॉक्टर्स हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं, कई लोग तो देवांगन सर को देख लो आप, है ना, आप मल्लिका मचानी मैम को देख लो आप, और भी कई लोग हैं हमारे ग्रुप में जो बहुत छुपे रुस्तम जैसे काम कर रहे हैं। हमारे विनोद सर को देख लो, कैंसर के लेवल पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से, क्यों, क्योंकि बारीकी हमने पकड़ ली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गॉल्गी एपरेटस की बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, जो लोग प्रोटोकॉल खेल रहे थे, मैंने कहा था 4 महीने रुक जाइए, एक एक चीज प्रोटोकॉल बनाना सीख लीजिएगा, मैं गलत था क्या, अपने दिल से पूछिएगा दोस्तों। गॉल्गी एपरेटस की बात करते हैं, गॉल्गी एपरेटस का काम क्या है सेल में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हमने पढ़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन सिंथेसिस किया आपने और उसको आपने वेसिकल्स के माध्यम से भेज दिया, कहां भेजा, है ना। गॉल्गी एपरेटस या गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी कॉम्प्लेक्स एक मेम्ब्रेनस एकदम बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, ये मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड किया हुआ ऑर्गेनेल्स होता है दोस्तों, जो प्रोटीन के प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। बन कहां रहा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में,
किससे बन रहा है? राइबोसोम से बन रहा है। स्टोर कहाँ हो रहा है? प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? गोल्गी एपरेटस में। आपने यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस किया, उसको भेज दिया गोल्गी एपरेटस पर, ठीक है। ये सभी के सभी गोल्गी एपरेटस में प्रोटीन में प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है और सभी सेल में उपस्थित होता है, ठीक है। एकमात्र सेल होती है जिसमें गोल्गी एपरेटस नहीं होता, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता, प्रोटीन का स्टोरेज नहीं होता, कौन सी सेल? आरबीसी। याद रखना, आरबीसी। आरबीसी को छोड़कर आपके बॉडी के जितनी भी सेल है सब में गोल्गी एपरेटस पाया जाता है। इसीलिए गोल्गी एपरेटस, एक कैमोमिला जो इनका नाम था साइंटिस्ट का, कैमोमिलो गोल्गी, उन साइंटिस्ट ने जब इसको डायग्नोस किया था उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के डिस्कवरी के अकॉर्डिंग इनका नाम गोल्गी एपरेटस दिया गया। दोस्तों सामान्य तो प्रत्येक सेल में एक गोल्गी एपरेटस होता है दोस्तों, और प्रत्येक गोल्गी एपरेटस में याद रखिएगा 5 से 8 इस प्रकार की 5 से 8 फ्लैटेंड चपटी मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टर्नी। इनको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। इसका डायग्राम मैंने काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बनाने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए ग्रुप में डाला हुआ, टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। गोल्गी एपरेटस न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब स्थित होता है, ठीक है। इसलिए याद रखना इसके 2 एंड्स होते हैं और एक फेसेस होता है जिसको आप अगर दोनों एंड को देखोगे जो होता है फेसेस, जिसको हम सिस फेस कहते हैं और ट्रांस फेस कहते हैं। एक साइड सिस फेस, CIS, और ट्रांस फेस, ठीक है। सिस फेस एंड ट्रांस फेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये पर्टिकुलर उनके पार्ट होते हैं, जैसे हमारा मुंह और लेग्स वाला पार्ट, ठीक है। इसी प्रकार से सिस फेस, हमेशा याद रखना जो सिस फेस होता है हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास स्थित होता है, ठीक है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो रेटिकल वेसिकल्स होते हैं इसी सिस फेस के माध्यम से गोल्गी एपरेटस में वो पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल पर प्रवेश करता है, जबकि ट्रांस फेस बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास स्थित होता है, जो प्रोसेस सब्सटेंसेस होते हैं जो गोल्गी एपरेटस के ट्रांस फेस के माध्यम से एग्जिस्ट होते हैं बाहर, जिनको प्रोसेस कर लिया जाता है, उन प्रोसेस सब्सटेंसेस को बाहर। भाई आप कोई भी फैक्ट्री में चले जाओ, एक अंदर जाने वाला एक पीछे से, या टॉकीज में चले जाओ एक आने वाला और एक पीछे से जाने वाला गेट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा उसी प्रकार से गोल्गी एपरेटस में भी सिस और ट्रांसफेस होता है। सिस फेस से यहाँ पर जो बना मटेरियल हो गया, पैक हुआ, मॉडिफाई हुआ, प्रोसेसिंग हुआ और पीछे के गोडाउन के रास्ते से उसको बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये तो हमने पर्टिकुलर फंक्शनल बात की, मतलब स्ट्रक्चरल बात, अगर गोल्गी एपरेटस का फंक्शन समझोगे तो सब समझ जाओगे, कुछ भी नहीं करना आपको। गोल्गी एपरेटस का मेजर फंक्शन जो होता है दोस्तों, वो बेसिकली सेल के डिफरेंट पार्ट को प्रोटीन और अन्य मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड की प्रोसेसिंग करना, पैकिंग करना, लेबलिंग करना और उसको डिलीवरी करने का काम करता है। याद रखना दोस्तों, यहां पर प्रोटीन और अन्य जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे लिपिड्स आया, उसको प्रोसेसिंग कर लिया, उसको पैक करके लेबल कर लगा दिया और उसको जहां भेजना है डिलीवरी कर दी। ये काम गोल्गी एपरेटस का होता है दोस्तों। यदि प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल कैसे होगा? जितना भी यहां से वेसिकल से आया दोस्तों, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन आया, लिपिड और प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन आया, ये लिपिड्स होते हैं, ये गोल्गी एपरेटस में ट्रांसपोर्टेड होते हैं दोस्तों। वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन का लिपिड का मॉडिफिकेशन होता है, उनको साफ सुथरा किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है और प्रोसेसिंग करके वहां पर पैक कर दिया जाता है। पैकिंग ऑफ मटेरियल किया जाता है यहाँ पर। सभी जितने भी प्रोसेस मटेरियल होते हैं, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, उनके रूप में इनको पैक किया जाता है। याद रखना सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, अब याद रखना सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, सिक्रेटरी वेसिकल कितना इंपॉर्टेंट होता है, लाइसोसोम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके रूप में इनको पैक करके तैयार कर दिया जाता है। जिनको जरूरत होती है लेबलिंग करके वहां पर डिलीवर्ड भी कर दिया जाता है। ये या तो सेल के आउट में या फिर सेल्स के अन्य भाग में, या तो सेल्स के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट होता है जहां जरूरत है, या अगर कहीं डैमेज हो जाए तो उस पर्टिकुलर पार्ट में दोस्तों फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान लाइसोसोम का जो फंक्शन समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर या बाहर की तरफ इसको भेजा जाता है। याद रखिएगा इसी के कारण आप कहीं पर माल बेचते हो, भाई आपका पेशेंट भेजा बॉम्बे भेजा बैठा हुआ है, उसने आपको कहा सर ये आपको मेडिसिन भेजना, आपने कहा ठीक है साहब, आप क्या कर रहे हो, है ना, आप ये कर रहे हो कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, सेल का पोस्ट ऑफिस कौन है? गोल्गी एपरेटस है,
ठीक है, गोल्गी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल के नाम से नवाजा गया है कि आपने मेडिसिन को पैक करा, पैक करने के बाद में आप पोस्ट ऑफिस में देने गए, पोस्ट ऑफिस ने दे दिया, पोस्ट ऑफिस से पर्टिकुलर पेशेंट के पास पहुंच गया, ये पूरा काम गोल्गी अपरेटस करता है। इसीलिए लेबलिंग और डिलीवरी ऑफ मटेरियल जो होता है फाइनली गोल्गी अपरेटस के माध्यम से प्रोसेस्ड मटेरियल को पैक्ड करके लेबल करके वहां पर पहुंचाया जाता है, जैसे जैसे फॉस्फेट ग्रुप्स हो, इस बात पर डिपेंड करता है दोस्तों कौन सा केमिकल कंटेंट है, डिलीवरी के लिए कहां डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसे प्रॉपर डेस्टिनेशन पर भेजा जा सके, ये पूरा काम गोल्गी अपरेटस तय करता है। इसलिए सेल का हर ऑर्गन का काम अगर आपको पकड़ में आ गया आप देख लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि गोल्गी अपरेटस को इसीलिए शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहां से प्रोसेस हुआ, मॉडिफाइड हुआ, लेबलिंग किया वो तो ठीक है, लेकिन गोल्गी अपरेटस ऑफ शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाने का काम भी, शिपिंग करने का काम भी यहाँ पर दोस्तों पर्टिकुलर गोल्गी अपरेटस के द्वारा होता है। इसलिए इसका काम भी आपको पता चल गया। पूछने की जरूरत है आपको, अगर आपको बॉडी में स्टोरेज का निर्माण करना है आपको गोल्गी अपरेटस को मजबूत करना है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट आज का, लाइसोसोम। याद रखिएगा जिस व्यक्ति ने लाइसोसोम को पढ़ लिया उसने इम्यूनिटी की बात पढ़ ली, बहुत मजे से समझेगा दोस्तों। ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम मेम्ब्रेनस बाउंड वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में इधर उधर छितरे रहते हैं। लाइसोसोम का निर्माण किससे हो रहा है, अभी आपने पढ़ा गोल्गी अपरेटस से हो रहा है। ठीक है, ये एंजाइम्स रफ एंडोकुलर, जितने भी रफ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं वहां पर सिंथेसाइज होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं और स्मॉल वेसिकल के रूप में गोल्गी अपरेटस में पैक होता है और उसके बाद वेसिकल गोल्गी अपरेटस से बाहर निकलकर लाइसोसोम बन जाता है। बना कहां? रफ एंडोप्लाज्म। स्टोर कहां हुआ? गोल्गी अपरेटस में। निकला कहां? बाहर आया, सेल के अंदर आ गया, ये लाइसोसोम बन गया। अब लाइसोसोम का काम देखना दोस्तों, आप मजा आ जाएगा सुन के आपको, कि आपकी बॉडी में साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल्स में समझ करके समझिएगा दोस्तों। लाइसोसोम की थिकेस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, बहुत मोटी कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। इसकी मेम्ब्रेन बायलेयर्ड लिपिड मेटल की बनी होती है दोस्तों। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो बायलेयर्ड इसलिए होते हैं यदि लाइसोसोम फट गया तो आपके सेल को भी फट देगा, इतना खतरनाक होता है ना, इसलिए याद रखना। क्योंकि इसमें जो ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे पाए जाते हैं वो हाइड्रोलाइटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, किसी को भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, पानी पानी कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा लाइसोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी लाइसोसोम, एक सेकेंडरी लाइसोसोम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का काम आपके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल के लेवल पर। कैसे? प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम जो गोल्गी अपरेटस से बाहर कर रहे हो, पिंच आप कर रहे हो, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, अगर एक्टिव फॉर्म में होता है तो सेल को ही डैमेज कर देंगे, इसलिए इनको इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में होने के कारण ही इनको प्राइमरी लाइसोसोम होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या हुआ? सेकेंडरी लाइसोसोम एक्टिव लाइसोसोम होते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फेगोसोम या एंडोसोम के फ्यूजन से बनता है, याद रखना। जो प्राइमरी लाइसोसोम इनएक्टिव फॉर्म में जब वो बाहर आया, आपको लग रहा है कि भाई कोई खतरनाक मटेरियल आ गया, वो फेगोसोम या एंडोसोम के रूप में आ रहा है, ठीक है, वो रिसेप्टर्स होते हैं वो यहाँ कर आके आपके लाइसोसोम से जुड़ गए और लाइसोसोम तुरंत एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या? लाइसोसोम को प्राय सेल का गार्बेज सिस्टम भी कहा जाता है, कूड़ादान। सेल का गार्बेज सिस्टम भी कहा जाता है कूड़ादान, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्रेडेशन एक्टिविटी होती है, ये बिल्कुल फाड़ देता है। लगभग 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जिनको हम हाइड्रोक्सीलेसेस कहते हैं, ये हाइड्रोक्सीलेसेस एंजाइम इस लाइसोसोम में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 50 प्रकार के। इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म में होता है दोस्तों। इसके माध्यम से याद रखिएगा लाइसोसोम अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, और इसीलिए एक सेल को अंदरूनी जितनी भी कला है उससे बचाने का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम से डर के रहते हैं सब, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है उसमें 50 डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी को भी पानी पानी कर सकते हैं। इसीलिए लाइसोसोमल एंजाइम्स जो होते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों? प्रोटीएसेस,
याद रखना दोस्तों, ये इंपोर्टेड लाइसोसोमल एंजाइम्स में बता रहा हूं 50 में से प्रोटीएसेस जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन को अमीनो एसिड, ठीक है। जितना भी प्रोटीन आप खाओगे उस प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम यह हाइड्रोलाइसिस यानी प्रोटीओलाइसिस के माध्यम से होगा। एमाइलेसिस नाम सुना है आपने, जो कि पॉलीसेकेराइड को ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करता है, कहां पर? पैनक्रियास, ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो कि पॉलीसेकेराइड को ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज करते हैं। लाइपेसिस, जितने भी लिपिड्स होते हैं उनको फैटी एसिड में ग्लिसराइन में हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। तो दोस्तों ये तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में मदद कर रहा है, माइंड कीजिएगा इस बात को, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स है आपका न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस क्या करता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं लाइसोसोम के, जो आपको बताने के लिए जरूरी है दोस्तों। ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अब इसका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, मैं केवल आपको अभी केवल एक हिंट दे रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा है, कल मैं इसको पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, ताकि आप जितने भी ऑर्गेनोबूस्टर है उनके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को आप समझ जाएंगे कि हम उसके माध्यम से इन सेल को कितना, आप केवल अपना माइंड सेट कीजिए और एक कोई भी ऑर्गेनोबूस्टर गैंग्रेनल फोर्ट को उठा लीजिए, उसके सारे प्रोटोकॉल को पढ़िए कि A2A कहां काम कर रहा है, C5A कहां काम कर रहा है, केवल एक समझने की कोशिश कीजिए और फिर सेल के फंक्शन को पढ़िए। मैं आपको दावे से कहता हूं, सेल टिश्यू के लेवल पर जब जाओगे, ऑर्गन के लेवल पर जाओगे, आप खुद बोल दोगे अरे यार C1 तो यहां काम करता है, सेल को ऐसा कर रहा है, ये चीज आपको निकल के आ जाएगी। तो लाइसोसोमल फंक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो मैं आपको आज बता देता हूं। लाइसोसोमल फंक्शन दो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है हेटरोफेजी, एक होता है ऑटोफेजी, ठीक है, हेटरोफेजी एंड ऑटोफेजी। जब आप एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से सेल्स के द्वारा जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को डाइजेशन को इंगल्फ करना है, उस पूरी प्रोसेस को हेटरोफेजी कहते हैं। यानी यहां से कोई मटेरियल आया, यहां पर आ गया, ठीक है, ये मटेरियल यहां आ गया, अब इसको ये लाइसोसोमल अपने तरफ खींचेगा और वहां पर हेटरोफेजी कर देगा, उसको तोड़ देगा, डिग्रेडेड कर देगा। तो ऑटोफेजी क्या हुआ, सेल के अंदर ही इंट्रासेल्युलर मटेरियल जैसे कि टूटे फूटे वार्न आउट जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है उनका डिग्रेडेशन करना है, उनको डाइजेशन करना है, वो सेल के अंदर आसानी से लाइसोसोम के द्वारा कर दिए जाते हैं। सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं मिलता है, उनको डिग्रेडेट करके डिजनरेट करके सेल के अंदर से जितना भी डाइजेशन के प्रोसेस में लाइसोसोम को एंजाइम करना है वो इंगल्फ करके उसको नष्ट कर देगा और यहां से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकाल देगा। लेकिन जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से आ रहे हैं उस मटेरियल को भी हेटरोफेजी के माध्यम से एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के माध्यम से सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को डाइजेशन करना, इंगल्फ करने का काम भी यही हेटरोफेजी के माध्यम से लाइसोसोम करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का स्पेसिफिक फंक्शन क्वेश्चन मार्क कल बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को बहुत कुछ चीजें हिट में समझ में आ गई है दोस्तों। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। जी ऋषिपाल सर, ऋषिपाल सर, डॉक्टर ऋषिपाल सर, सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं कह रहा जैसे लीवर सिरोसिस का केस को हम बिल्कुल क्योर कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, टाइम काफी लगता है ना। जी जी सर, आपने जो प्रोटोकॉल दिया उसी प्रोटोकॉल से हो जाएगा ना? बिल्कुल जी जी। तो उसको पानी है पेट में, तो पानी निकालने के लिए क्या करें सर? सर H2C2L1Y I6C6L1Y दो ना आप, हाँ तो पूरा निकल जाएगा वो, हॉट कंप्रेस करो पूरा सूख जाएगा। अच्छा 200 डाइल्यूशन में दें सर? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर संजय सर, डॉक्टर संजय सर, डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय सर, डॉक्टर अजय प्रताप बाथम सर, अजय प्रताप बाथम सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, सर उसके लिए बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत नाइस लेक्चर, वेरी वेरी नाइस लेक्चर, उसके एडवांस लेक्चर, उसके वेरी वेरी थैंक्स सर। जी जी अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी फैमिली के लिए है सर।
हाँ सर बिल्कुल। ये सर रूमेटिक आर्थराइटिस में सर S5C5 A1F1 L1C10 GEW को लीवर को प्रमोट करने के लिए किया सर अल्टरनेट में सेकंड। बिल्कुल बहुत सही पकड़े हो सर, हैट्स ऑफ, मजा आ गया, यही चीज सुनने की कोशिश करता हूँ सर मैं, बहुत सही पकड़े हो आप। देखो हमने C10 भी इन्वॉल्व किया, S5C5 भी इन्वॉल्व किया, बहुत जबरदस्त फीडबैक आ रहा है सर उसके, बहुत जबरदस्त आ रहा है। आप जैसे जैसे न्यूट्रल से नेगेटिव जाते हो ना, मजा आ जाएगा आपको। इससे तो सर जो आर ए फैक्टर भी कंट्रोल हो जाएगा और वो भी सही हो जाएगा सर, कि अगर यूरिक एसिड बन रहा होगा उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा सर। थैंक बिल्कुल सही पकड़े सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन। यू, थैंक यू सर। जी, अबू साफवान सर, अबू साफवान सर कहाँ गायब हो गए? डॉक्टर एस के निराला सर, एस के निराला सर, नमस्ते नमस्ते। सर, जो आपने बताया कि सर ये जनरल टॉनिक S5C4 Vein1G इसको 30 dilution में ले जाइए, तो सर ऊपर से इसमें S5C4 Vein1G डलाएगा या टोटल 30 dilution में जाएगा? सर जो D6 से लिखा वही जाएगा ना, ठीक है। आप चाहो तो इनको केवल S5C4 Vein1G को 30 दे दो, जनरल टॉनिक को हटा दो आप, ठीक है, जी या तो सिंपल उसको सर, दे दो, या फिर जनरल टॉनिक को 30 बनाओ और साथ में ऊपर से आप S5C5 या C4 Vein1G को डाल दो, जो स्ट्रांग रहेगा उसकी तरफ जाएगा, ठीक है, ऐसा करो आप, ये भी कर सकते हो आप। एक बात सर और पूछना चाहते हैं, जी यदि बाकी प्रोटोकॉल सर 30 power में हम दे दें नॉर्मली, जी और सर उसमें S1C4 लिम्फ WE यदि D5 गोली में दे दें, हाँ, तो सर उसका क्या मैंने उस पे काम करेगा या दिक्कत क्यों नहीं काम करेगा, होगी? न्यूट्रिशन पे काम करेगा सर। आप जिस प्रोटोकॉल पे जाओगे, अगर आपने D4 D5 D6 दिया तो D4 D5 न्यूट्रिशन को प्रमोट करेगा, D6 नेगेटिव है, सिक्रेशन को कम करेगा, ये तो अपने गुण पे जाएगी, जो मेडिसिन का गुण होगा, जिस पावर का गुण है वो पावर वहां जनरेट हो जाएगा जी। ना। कल आपको पूरा बताऊंगा सर, वेट कीजिए आप। जी रेनू मैम, रेनू शर्मा मैम, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था सर, अगर लाइकोमा है तो उसका कैंसर टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मैडम, कोई जरूरत ही नहीं है, लाइपोमा तो बहुत इजी क्योरेबल है, आपको ओके कैंसर के लेवल पर तो जाना ही नहीं चाहिए। लाइपोमा इलेक्ट्रोमोपैथ से विद इन 2 to 3 month गायब हो जाता है, ठीक है। आप एक काम करो, L2C5G लो, है ना, और पर्टिकुलर ओके जहां सर पर लाइपोमा है उसके ऊपर लगाकर अच्छे से रगड़ो आप, मस्टर्ड ऑयल में मिलाकर, और मुझे बताना आप 50 बार रगड़ना है उसको, 3 से 4 सप्ताह के अंदर गायब हो जाएगा वो, ठीक है। और सर ओरली, सर ओरली भी कुछ लेने की जरूरत है? ओरली बहुत सारी चीजें, S2A2C4L1 Vein1G 30 या 200 में लो, ठीक है, ओके सर C3L1F1 Vein1WE सेकेंड डायल्यूशन से 10th पे चले जाओ, ठीक है। ओके सर, ओके सर, जी मुकेश बाबू गुप्ता सर, नमस्ते सर। नमस्ते। फिर जो हम वो स्मेल थेरेपी लेते हैं सर, जो आपने लिपिड बताया था, लिपिड लेयर, क्या उसी के माध्यम से हम जो है क्या कहते हैं उसके सेल पे काम करवाते हैं? बहुत सही पकड़े हो सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर, यही चीज आपको समझने की जरूरत है सर। जो हम जो जितने भी हम डीजल और वो देते हैं, स्मेल थेरेपी कराते हैं या इंजेक्शन के थ्रू भी देते हैं, तो इसी के थ्रू हमारे ऊपर जल्दी काम करती है। बिल्कुल सर, यही कारण है, तुरंत एडॉप्ट हो जाती है, 10 मिनट में रिजल्ट आता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जी खुशबू अग्रवाल मैम, खुशबू अग्रवाल मैम, खुशबू मैडम, खुशबू मैम, डॉक्टर संजय, डॉक्टर संजय, जयंत ब्रह्म भट्ट सर, डॉक्टर जयंत ब्रह्म भट्ट सर, हाँ सर नमस्कार नमस्ते। सर, आज बढ़िया लेक्चर में मजा आया। जी तो सर, मेरे पास जो रूमेटोइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, सभी आर्थराइटिस के पेशेंट में मेटाबॉलिक ड्रॉप देखे,
रिलेटेड ऑफ लीवर का जो मैं उसमें मेटाबॉलिक साथ में C5 C10 C15 देके ओनली फॉर 3 डोज में क्योर करता हूँ 10,000। बढ़िया है सर। सर क्योर और उसका रिलीफ होने में बहुत डिफरेंस होता है। हमारे ग्रुप में हमेशा याद रखिए, क्योर ना बोलिए, आप बोलिए उसको हमने रिलीफ दिया। ठीक है, कई लोग इसको बात का बतंगड़ बनाते हैं सर। ना ना बराबर, हम लोग उसको इस लेवल पर, उसकी वाइटिलिटी को इस लेवल पर पहुंचा देते हैं कि दूसरे लोग नहीं पहुंचा पाते हैं। हम 95% तो उसको क्योर कर लेते हैं, 95%। ठीक जी, ओके ओके जी। अबू साफवान जी, डॉक्टर एमडी अबू साफवान जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी सर, मैं कुछ वॉइस मैसेज भेजा था, उसका कुछ जवाब देते सर, कुछ दिक्कत सर? मेरे पास इतना टाइम नहीं है वॉइस मैसेज देखने का, समझने का। 2130 व्हाट्सएप पेंडिंग है मेरे पास। कुछ अर्जेंट मैसेज होगा तो मैं दे दूंगा, जरूरी होगा तो मैं बराबर दूंगा जवाब। ठीक है जी सर, कुछ हमको जवाब दीजिएगा सर जी। मीनाक्षी मैम, डॉक्टर मीनाक्षी मैम नमस्कार सर। नमस्ते सर, बहुत लकी फील कर रहे हैं हम आपके क्लास लेके। मैं ये जानना चाहती हूँ सर, सेरेब्रल एट्रोफी में अगर सेल्स हमारे डैमेज हो जाते हैं कि तो क्या वो भी रिजनरेट हो सकते हैं? आप हमारे सीनियर से पूछो कितने लोगों ने सेरेब्रल एट्रोफी ठीक कर दिया मैडम। ठीक है, आप ऑप्टिक नर्व डैमेज का पूछो, हमारे ऑप्टिक नर्व डैमेज को भी हमने रिजनरेट कर दिया। ठीक है, रिपेयर और रिजनरेट दो चीजें होती है। हमने लगभग लगभग 95% तय कर लिया है कि सर्जरी को भी हम लोग फेल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे ग्रुप के करीब 13 से 14 डॉक्टर है जो सेरेब्रल एट्रोपी के लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आर के सिंह सर है, डॉक्टर मोहन सर, टी मोहन सर है ना, ऐसे कई लोग हैं। आप अभी देखते जाइए, आपको पूरा प्रूफ के साथ मिलते चला जाएगा। ठीक है, इसका कोई प्रोटोकॉल मिल सकता है सेरेब्रल एट्रोपी के लिए? सब मिलेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा मैडम। मुझे दवाई लेनी है मैडम, आप सेरेब्रल एट्रोपी को डेमोंस्ट्रेट कर दो, मैं अभी आपको प्रोटोकॉल बता दूंगा। मेरी आदत है मैडम, जब तक मेरे डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत जिंदगी का खिलवाड़ होता है, जरा सी देर में प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे कोई एतराज नहीं है, आपको तुरंत डाल दूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर गलत प्रोटोकॉल सिलेक्ट हो गया बाय चांस तो लेने के देने पड़ जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है ठीक है जी। मोहन सर, एच मोहन कुमार सिंह सर, मोहन कुमार सिंह सर नमस्ते सर। नमस्ते जी सर, आज तो जैसे एक मरीज को मैंने दिया था हाई बीपी में 170 और 90 था, केवल आरी की 1000 दिया था मैंने, 1000 में केवल 4 गोली ही, केवल 15 मिनट में बीपी सर 120-80 आ गया सर, मैजिक आ गया, मैजिक हो गया सर। वेरी गुड, मतलब ये आप प्रूवन करना चालू हो गए हो सब लोग। मैंने इसीलिए कहा था सर, वेट एंड वॉच आफ्टर 6 मंथ, कहते वो गब्बर सिंह बोलता था ना, ठाकुर तेरे हाथ दे दे रे, है ना। मैं भी आपको कहता हूँ 16 महीने दे दो, ये मैजिक आप ही करोगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हैट्स ऑफ सर, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर जी। जी विनीत सर, जब दो दो गोली में आप कितना कमा सकते हो, जोड़ लेना आप। ठीक है जी विनीत गोयल सर। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते, गुड इवनिंग जी सर। सर ये जैसे किसी को सर ऐसे रोमेटिक अर्थराइटिस है जी, तो सर इसको, इसके साथ जो आपने ये स्पास्मोडिक ड्रॉप्स बताई थी या पहले जो एनाल्जेसिक है वो भी सर ऐड करनी है इसके अंदर? सर आप कल और परसों दो दिन वेट कीजिए, सब समझ में आएगा। ये तो मैंने कंक्लूजन बताया आर्थराइटिस का जी। अब जो मेन हम जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली हम क्या सिलेक्ट करेंगे, ये किस किस प्रकार का होता है, ठीक है जी। वो कल डेमोंस्ट्रेट होगा, परसों रोमेटिक आर्थराइटिस पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए तो कह रहा हूँ आर्थराइटिस समझ में ही नहीं आता लोगों को कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करें रोमेटिक आर्थराइटिस, क्योंकि पेशेंट भी इतना समझदार थोड़ी होता है, नॉन मेडिकेटेड पर्सन है वो, आपको जो सिम्टम बता रहा कभी इधर बता रहा कभी उधर बता रहा, जी 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 कंफ्यूज हो रहे हो, वो कंफ्यूजन ही हमारा प्रोटोकॉल बिगाड़ देता है। ठीक है ओके अच्छा सर, सर ये जी जी अच्छा सर, आपने जो ये 30 डाइल्यूशन बताया तो सर इसकी वो भी बना सकते हैं ग्लोबल्स? अरे सर बहुत मिरेकल रिजल्ट आ रहा है 30 डाइल्यूशन में, आप बना के तो देखो, चमत्कार हो रहा है।
ये थियोडोर क्रॉस जी ने जो दिया है ना, बहुत गजब का प्रोटोकॉल दिया है, मजेदार रिजल्ट आ रहा है। जो लोग कहते हैं ना D4 D5 D6 में आप केवल 30 डाइल्यूशन देकर देख लेना, और मैजिक नहीं आए तो मुझे बोल देना आप, जी सर, ठीक है जी, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, ठीक है दोस्तों, आज हम यही रखते हैं।